नमस्कार स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दे रखा है कि राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का क्या है, ये क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाइए, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाइए इन सब का। तो आप देखिए, ये है थायोनिल क्लोराइड। कौन है? थायोनाइल क्लोराइड। और थायोनाइल क्लोराइड के संग रिएक्शन करा बेटा जी किसकी? एल्कोहल की। तो आपको पता है क्या बनता है, यहाँ OH हटाना है और Cl लगाना है, क्या बन जाएगा? और संग में SO2 और HCl निकलेंगे। ठीक है, तो OH हटाओ, Cl लगाओ, ये है थायोनाइल क्लोराइड के संग रिएक्शन। ठीक है, और संग में गैसियस प्रोडक्ट SO2 और HCl निकलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। अगला देखिए, Br2 हीट, इसका मतलब क्या है, बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? बेंजालिक। ठीक है, तो इस बेंजालिक कंडीशन पे लग जाएगा कौन? Cl, यानी Br लग जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, यानी ऐसा कार्बन एटम जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है, उसके जस्ट आगे एरोमेटिक रिंग होती है, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं बेंजालिक कार्बन। और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट या यूवी लाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाए, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? बेंजाइलिक। कौन सा है? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगली वाली में भी देखिए, ये बेंजाइलिक कार्बन, इस पर OH लगा है, तो इसमें भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? ये भी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा बेटा सब्स्टिट्यूशन है? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बोले सही है, और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो इसमें भी क्या होगा, यहां से OH हटाओ और इसकी जगह Cl चपका दो। ठीक है भाई, क्या लगाना है? OH हटाना है और Cl लगाना है। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए, इसमें भी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसमें भी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसमें देखिए HI के रिएक्शन कराया जा रहा है, तो कौन सा लगेगा? मार्कोनी का रूल। कौन सा लगेगा? मार्कोनी का रूल। नेगेटिव पार्ट वहां पर पहुंचेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। ठीक है, इस वाले पे तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, इसी कार्बन पे लग जाएगा CH3 और इसी पे लग जाएगा I। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये क्या है, ये एडिशन। क्या है? एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। बोले सही है। अगला है, ये एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो कौन सी रिएक्शन होती है ये बेटा? ये रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। और क्या बन जाएगा? ये बनेगा हैलोजन एक्सचेंज होता है इसमें, तो क्या बन जाएगा? Br। क्या लग जाएगा? Br। बोले सही है। ठीक है, और ये क्या है, यहां पे हो जाएगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजाइलिक हो नहीं सकता, हीट एंड यूवी लाइट है। ठीक है, तो बेंजाइलिक की कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, बोले सही है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेटा जी। क्या हो जाएगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी लगा दें, क्या बन जाएगा? Br। ठीक है, ये तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यूनिट में, इसके आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।